नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का वी मेक क्रिएटर्स में। दोस्तों अभी लास्ट वीडियो जो थी हमारी वो लाइक मनोज यूट्यूबर्स हैं, लोगों ने उनको लाइक वहाँ पे कमेंट्स में काफ़ी आ गए। मनोज मैं आपसे ट्रूली बताऊं, जब वीडियोस बनाई होंगी मैंने तो बहुत से यूट्यूबर्स मेरे माइंड में आएंगे जिनकी मैंने कई वीडियोस देख ली होंगी, सिर्फ आप ही नहीं थे या वट एवर जो भी है, कोई हर एक की कोई बात चुभ जाती है किसी को, तो वो जरूरी होता है कभी किसी को लग गया। मैं भी लाइक उस टाइम किसी मूड में हूँ, कोई अपना दौर याद हो गया होगा कि किसी ने मुझे लताड़ा होगा अपने टाइम पे, तो कभी कभी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। ये अच्छी बात कही कि आपने वीडियो बनाई, बट मुझे बुरा ये लगा कि आपने मुझसे माफ़ी मांगी। मतलब माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है यार, इतना बड़ा नहीं हूँ मैं एंड ये सब चीज़ें। वीडियोज़ कहते ना, ये एक कम्युनिकेशन गैप है, 2 साल पहले मैं आया था, 2 साल बाद आप आए हैं, ये 2 साल चलता रहेगा। लेकिन जनरेशन गैप क्या है कि हम आप मुझसे छोटे हैं, ये अच्छी बात है कि चलो आप एक रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सॉरी पहली बात तो ये वर्ड गलत था, आप बिल्कुल मत बोलो सॉरी, आपने ऐसा कुछ नहीं करा। और पहली बात उस वीडियो में मैं आपका कहीं ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ, बट एक होता है ना कि वीडियोज़ डाली और जो आपने लाइक यूट्यूब पर कम्युनिटी, एक छोटी सी कम्युनिटी है यार, भाई लोग कुछ नाराज होंगे शायद, उन्होंने लिख दिया होगा भर भर के कि आपका नाम लिख दिया, और मैं थोड़ा क्लासेस में बिजी था, नहीं तो मैं कल रात को ही वीडियो बना था। जब मैंने आपने वीडियो डाली और उसके 1 घंटे बाद मैंने वीडियो देखी, मैं उसी टाइम डालता। लेकिन मैं आज चाहता हूँ हम सब मिलके, यूट्यूब पे ना बहुत बड़ी फैमिली नहीं है कि बहुत यूट्यूब आप देखते हो टिकटॉक वाले कहीं भी आते भीड़ लगा के बैठे रहते हैं, बस खाली डांस कर लेते हैं, म्यूजिक तो अंदर चल ही रहा है। हम यूट्यूब वाले में ना मुझे लगता है कि इंडिया में यार ना वो एक हम ना नैरो माइंडेड थिंकिंग है, बहुत छोटी सोच है हम हो गई हम लोगों की, अपना अपना अपना, क्यों ना हम खुल के करें एक दूसरे से मिलके। मतलब कॉपीराइट का जो झंझट है ना बहुत रहता है कि कुछ भी उसका क्लिप ले लिया कॉपीराइट डाल दो, मतलब क्यों यार, मतलब कॉपीराइट फ्री नहीं कर सकते क्या हम लोग। मतलब आपने देखा ब्यूटी पाई को, अगर आप देखोगे इसको लोगन पॉल जब उस टाइम वो जो केस हुआ था उसका भी रिसेंटली, जिसके बाद उसका पूरा खत्म, फोटो लगा के उसका फोटो को फ्लैश करके, और कैसे ब्यूटी पाई ने व्यूज उठाए वहां पे, ब्यूटी पाई था कुछ भी नहीं था, आज वो बहुत बन रहा है ना उस पर, हमारे काफी अपने धर्मेंद्र जी ने वीडियो बनाई उस पर, काफी लाइक वीडियो बनाई, बहुत अच्छी वीडियो बनी, और ऐसे को तो लताड़ना ही चाहिए। लेकिन क्या किया उसने, लाइक उसकी पिक्चर लेता था थंबनेल पे चिपका दी और 24 मिलियन व्यूज लेता था उस टाइम, जब वो कुछ था नहीं बीच में, खत्म हो गया, क्योंकि वो आपस में एक बॉन्डिंग बना ली उन लोगों ने, भाई आपस में मिलके काम करेंगे, मिलके उठेंगे, कॉपीराइट का झंझट खत्म। हमारे इंडिया में ना हम जो चल रहे हैं ना यूट्यूबर्स में बड़ा चल रहा है, एक बार शर्मा जी मुझसे मिले थे, मैं खुल के बोल रहा हूँ, भाई मैंने एक किसी बंदे की छोटी सी पिक्चर डाल दी, बंदे मेरे को कॉपीराइट डाल दिया यार छोटी सी चीज के लिए। मुझे याद है एक आइए सीखते हैं चैनल से, उन्होंने भी एक लाइक बहुत पहले एक बार बोला था कि छोटी सी उन्होंने क्लिप ली एक स्केचबोर्ड टाइप का, किसी ने कॉपीराइट डाल दिया। मुझे लगता है कि हम लोग क्यों ना मिलके, मैं एक गूगल फॉर्म दे रहा हूँ, जितने भी क्रिएटर्स हैं जिनके, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके चैनल पे 50,000-60,000 सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फॉर्म भरिए, हम एक लाइक एक मीटिंग करते हैं इस पर, और क्यों ना आपस में फ्री कर देते हैं कि यार हमारा कॉन्टेंट तो यूज कर सकता है, फ्री कर देते हैं कंटेंट, मतलब एक दूसरे कंटेंट यूज करो यार, हम सबको ग्रो होना है, बहुत छोटी फैमिली है, यहाँ पे हम लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे तो कोई और जो अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब है ना वो हमसे आगे निकल जाएंगे। तो मुझे लगता है हम सबको ये चीज समझना चाहिए। तो दोस्त एक अपना नीचे मैं फॉर्म दे रहा हूं, और मैं मनोज से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं उनसे कॉन्टैक्ट करना, अभी मैं थोड़ा फ्री हुआ हूं, कोचिंग्स में बिजी था थोड़ा, आज पेपर खत्म हुआ है लाइक अकाउंट्स का, तो मैं मनोज से भी फोन करूंगा, उनसे बात होगी मेरी और कुछ और डिस्कस पे उनसे मुझे बात करनी है। तो बेसिकली जो आप यूट्यूबर्स हैं वो फॉर्म भरिए, हम कॉपीराइट फ्री की तरफ आगे बढ़ते हैं, और एक अच्छा सा मीटअप करते हैं, लोगों को बताते हैं कि जो हमारे 50 सब्सक्राइबर, 100 सब्सक्राइबर, 500 सब्सक्राइबर, 1,000-1,500, उनको कंटेंट कहाँ से मिले, उनको कंटेंट हम दें, ऐसा कुछ कर लेते हैं मिलके। मुझे लगता है कि हम कुछ ऐसा कर जाएंगे जो आने वाले कई जनरेशन यूट्यूब की हमें एटलीस्ट याद करेंगे कि चलो यार उन लोगों ने कुछ अच्छा काम तो किया, हम लोग अपना काम कर लेंगे, थोड़ा सा काम इनके लिए करें। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हो तो प्लीज दिए फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, सबको मैं पर्सनली कॉल करूंगा और मिलके हम लोग एक अच्छा सा बढ़िया सा क्रिएट करेंगे कुछ कॉपीराइट फ्री के ऊपर। कुछ किसी भाई को लाइक बुरा लगा हो जो अपने मनोज के फैंस है, जैसे मैं देखा कि मनोज के लिए कुछ अपशब्द है मेरे कमेंट्स में, तो मेरे लिए भी है मनोज, ऐसा मत समझना कि सिर्फ तुम्हें ही बोल रहे हैं, लोग मुझे भी बोल रहे हैं कि, तो जो लोग बोल रहे हैं उनसे लाइक मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, कोई गलती हो तो मुझे माफ करिए, मेरा दिल कभी ऐसा नहीं रहा। देखिए मैंने महात्मा इंडिया इतना काम किया 2 साल में, कभी किसी के बारे में नहीं बोला, बहुत से लोगों ने मेरे खिलाफ बोला, मैंने कभी वीडियोस नहीं बनाई उन पे कि नाम लेके, मैं ये भी वीडियोस सिर्फ एक रफली बनाई, चलो किसी का दिल लाइक हतोत्साहित हुआ उस वे में,
तो भाई सब कुछ यार चिल बिल रखते हैं, इग्नोर करते हैं, सब कुछ खत्म करते हैं। कोई मेरी तरफ से हुए तो मैं अभी भी हाथ जोड़ रहा हूँ उसके लिए, सॉरी, एंड सब कुछ खत्म करते हैं और अपना अपना कंटेंट बनाते हैं। और अभी भी कह रहा हूँ कि कॉपीराइट फ्री की तरफ हम एक कदम नेक्स्ट लेवल बढ़ते हैं, जो हमारे छोटे भाई लोगों को कंटेंट मिलेगा दबा के। तो प्लीज फॉर्म फिलअप करिए, चाहे आपके चैनल पर 10,000, मतलब एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 हजार सब्सक्राइबर तो हों, उससे फॉर्म भरिए, हम लोग एक लाइक मीटिंग करते हैं और काम करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।